सो हाई गाइज एंड वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग इन माई चैनल। सो आज का ये ब्लॉग स्पेशली होने वाला है डॉग लवर्स के लिए, जो कि नया पेट लेने वाला है उन लोग के लिए वाला पूरा कंप्लीट ब्लॉग होने वाला है। एज बिकॉज कि अगर आप सोचिए, अगर आपका फर्स्ट टाइम डॉग ओनर है तो आपको क्या क्या चीज़ खरीदना पड़ेगा। बहुत जन को ये चीज़ नहीं पता है कि मतलब डॉग खरीदने से पहले उन लोगों को क्या क्या चीज़ लगता है डॉग के लिए। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाने वाला हूँ कि ए टू जेड आप लोग को एकदम स्टार्टिंग में क्या क्या लगता है डॉग का प्रोडक्ट्स। तो ब्लॉग को देखते रहेगा एंड तक, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी मैं फिलहाल आप लोग को दिखा देता हूँ एक बार ऐसे ही कि मैं क्या क्या चीज़ लिया हूँ मेरे डॉग के लिए, जो कि अभी तक नहीं आने वाला है। और मैं आप लोग को ये भी बता देना चाहता हूँ कि मेरा डॉग आने में इतना टाइम क्यों लगता है, बिकॉज वो वाला डॉग है रांची से और मेरा घर पड़ता है वेस्ट बंगाल में। तो बॉर्डर क्रॉस करना होगा, झारखंड और बंगाल का बॉर्डर आता है बीच में, तो वो वाला बॉर्डर क्रॉस करना होगा, मतलब तभी वाला डॉग आ सकता है यहाँ पे। और बॉर्डर क्रॉस करने के लिए अभी मतलब नहीं दे रहा है। तो 30 जून के बाद तो अभी लॉकडाउन का अनलॉक हो चुका है, तो हम लोग के यहाँ पे लॉकडाउन अभी तक मतलब अनलॉक नहीं हुआ, 30 जून के बाद अनलॉक होगा। सो उसके बाद शायद मेरा डॉग आएगा, या फिर कब आएगा नहीं पता। डॉग का सारा सामान सब कुछ आ चुका है लेकिन अभी तक डॉग ही नहीं आया, क्या बताऊँ, मतलब लग कितना ज़्यादा ख़राब है। तो खैर छोड़िए वो सारा बात को, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ लिया हूँ एज अ फर्स्ट टाइम डॉग ओनर। तो देखिए सबसे पहले मैं ये वाला शैम्पू लिया हूँ डॉग का, ये वाला शैम्पू की फोकस करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये वाला वो शैम्पू है जो कि मैं लिया हूँ, और ये सारा चीज़ का लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं ये सारा चीज़ का अमेजोन से ऑर्डर किया हूँ। यह है डॉग का शैम्पू, ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप का है ये वाला। और देन इसके बाद मैं लिया हूँ एक डॉग का बेल्ट, मैं ये लिया हूँ रेड कलर का ये डॉग का बेल्ट। जब मेरा डॉग आएगा उसके गले में जब ये मैं पहनाऊंगा तब मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि इसका मतलब कैसे होता है। मैं इसको अभी ओपन नहीं किया हूँ, यह है इसका शायद लॉक है ये वाला, यहाँ पे इस टाइप से देख सकते हैं, और डॉग के नेक में ये वाला शायद यहाँ पे लगेगा, कुछ इतना आइडिया नहीं है। उसके बाद मैं लिया हूँ ये वाला मेन चीज़ डॉग का खाना, जो कि है रॉयल कैनिन का जायंट स्टार्टर, यह है 4 kg का। तो वीडियो के आगे मैं आप लोग ये सारी चीज़ का अनबॉक्सिंग भी दिखाऊंगा, अभी जस्ट मैं आप लोग को जस्ट ऐसे एक बार दिखा दे रहा हूँ कि आप लोग को क्या क्या चीज़ खरीदना है। ये है डॉग का खाना, अगर आप कोई भी सर डॉग लेते हैं आप लोग को ये सारा चीज़ आप लोग खरीदना ही पड़ेगा, ये सर आपको मैंडेटरी चीज़ है। ये सर देख सकते हैं रॉयल कैनिन का जायंट स्टार्टर, ये देख सकते हैं, ये है डॉग का खाना। तो ये फिलहाल मैं अभी ओपन नहीं किया हूँ, जब डॉग आएगा उसको खाना देंगे तभी ओपन करेंगे, अभी ओपन करके कोई फ़ायदा भी नहीं है वैसे। तो इसको रखते हैं साइड में, दिखाते हैं इसके बाद मैं क्या चीज़ लिया हूँ। इसके बाद मैं लिया हूँ ये वाला चीज़, इससे आपका जो डॉग का जो कोट है डॉग का बाल, तो इस चीज़ से आप उसको तो आराम से आप निकाल सकते हैं, जो कि एक्स्ट्रा हेयर रहता है डॉग का, ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप का। इसके अंदर ब्लेड है, अनबॉक्सिंग के टाइम आपको सब कुछ दिखाऊंगा कि ऐसे क्या मतलब सब कुछ फिट होता है, सब कुछ दिखाने वाला हूँ, बैक साइड कुछ इस टाइप का। तो ये सारा चीज़ का लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग बाय कर सकते हैं, सब कुछ मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है। सो इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम डॉग ओनर एंड प्लानिंग टू बाय अ डॉग, देन आपको ये सारा चार चीज़ ऑर्डर करना ही होगा, ये सारा आपका एक डॉग के लिए मस्ट है। सो आप लोग ब्लॉग को देखते रहेगा एंड तक, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अब हमारे चैनल पर हैं तो उसको सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। सो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं ये सारा प्रोडक्ट्स का अनबॉक्सिंग। सो गाइस चलिए सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, ये शायद डॉग का बेल्ट है, इसी से हमारा अनबॉक्सिंग को स्टार्ट करते हैं। ले कट कर लेते हैं इसको यहाँ से। ये इसका बिल देख सकते हैं, और ये रहा हमारा डॉग का बेल्ट, इसको रखते हैं साइड में पैकेट को, ये देख सकते हैं। तो जब हमारा डॉग आएगा हम इसको लगाएंगे तब आपको दिखाएंगे कि किस टाइप से ये पूरा होता है। तो अब जब वो आएगा तो उसका साइज़ एकदम छोटा रहेगा, एकदम बच्चा होकर आएगा, मतलब एकदम बच्चा साइज में आएगा। तो देखते हैं तब ये बेल्ट लगाएंगे या फिर जब बड़ा होगा तब लगाएंगे, देखते हैं क्या होता है क्या करते हैं। तो देख सकते हैं ये मैंने रेड कलर का वाला बेल्ट ऑर्डर दिया हूँ, पप्पी का बेल्ट है ये वाला, जो कि है हमारा मीडियम साइज में। इसका ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर, और इसका लिंक आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये देख सकते हैं। सो चलिए अब हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, इसको रखते हैं साइड में। सो अब हम अनबॉक्स करते हैं इसको, जो कि मैं पहले अनबॉक्स कर लिया हूँ, पैकेट का साइज़ देखिए और अंदर का चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जो कि इसके अंदर है डॉग का शैम्पू, ये देख सकते हैं, ये है डॉग का शैम्पू जो कि मैंने ऑर्डर किया है। कैफ्ट जैक का है ये वाला, एक्सक्यूज मी प्लीज़ या क्या है वैसा कुछ इसका नेम है, इसका लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख सकते हैं। ये है डॉग का शैम्पू, पैकेट का साइज़ देखिए और इसके अंदर का माल देखिए, ऐसे खुलेगा फिर इसके अंदर हम जब लेंगे, जब हम डॉग को नहलवाएंगे तब ये वाला शैम्पू हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सो चलिए इसको रखते हैं साइड में और हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे लाते हैं। सो इसके बाद मैंने ये वाला चीज़ ख़रीदा हूँ, जो कि मैं मेरे डॉग को इससे नहलवाऊँगा,
देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप का मतलब स्प्रेयर या क्या बोलता है इसका नाम मुझे नहीं पता, ये मैं ऑनलाइन से नहीं ऑफलाइन मार्केट से लिया हूँ, लोकल मार्केट से। यहाँ पे आप ये जो यहाँ पे देख सकते हैं कंटेनर टाइप का, इसको अगर आप खोल के यहाँ पे शैम्पू डॉग का शैम्पू अगर आप लगा देंगे, रुकिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे घुमाने से ये वाला निकल जाएगा, फिर यहाँ पे पानी और डॉग का शैम्पू अगर आप दे देंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे बहुत सारा मोड्स का आपका ऑप्शन है, ये देख सकते हैं इस टाइप का, ये है ऑफ। फिर अगर आप ऐसे करेंगे तो यहाँ से मतलब थोड़ा थोड़ा शैम्पू आएगा और थोड़ा थोड़ा पानी, अगर आप ऐसे पूरा एकदम कर देंगे तो पूरा एकदम शैम्पू और पानी दोनों एक साथ आएगा, और इसके अंदर हमारा जाएगा शैम्पू या इसका कंटेनर, और आगे में कुछ मोड्स है वो भी आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, रुकिए। और यहाँ से होगा आपका जो पाइप है, वो वाला पाइप यहाँ से आपका कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से, और ये है इसका मेन जगह। सो अगर आप इसको ऐसे करके घुमाएंगे तो इसका मोड वो सब चेंज होगा, मतलब अलग अलग टाइप का, मतलब यहाँ से पानी का फोर्स आएगा, प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, ऐसे करके अगर आप घुमाएंगे तो ये सब चेंज होगा। और ये है इसका ऑफ ऑन का मेन जगह, यहाँ से आपका शैम्पू और पानी दोनों आएगा, यहाँ से सिर्फ शैम्पू आएगा और इसे बंद हो जाएगा। ये मैंने ऑफलाइन मार्केट से लिया है डॉग को नहलवाने के लिए, तो इसको रखते हैं साइड में और हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट लाते हैं अब। सो हम इसके बाद अनबॉक्स करने वाले हैं डॉग का ये वाला खाना को, चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। इसका साइज देख सकते हैं, इसके अंदर का चीज़ मुझे नहीं पता किस टाइप का, बहुत ही ज़्यादा भारी है ये, तो चलिए इसको कट कर लेते हैं यहाँ से और अनबॉक्स करते हैं। ये देख सकते हैं हमारे डॉग का खाना कितना बड़ा पैकेट में है, रॉयल कैनिन जायंट स्टार्टर मदर एंड बेबी डॉग 45 kg। इसको बाहर निकालते हैं, ये देख सकते हैं कुछ इतना बड़ा सा पैकेट है। देखिए हमारा डॉग का खाना रॉयल कैनिन की तरफ से, ये देख सकते हैं ये हमारा डॉग का खाना रॉयल कैनिन स्टार्टर मदर एंड बेबी डॉग्स के लिए जायंट एडल्ट वेट ओवर 45 kg। इसका मतलब मुझे नहीं पता क्या है, मुझे बहुत कुछ रिसर्च करना है कि सब का मतलब क्या है और खाना कैसे देना है क्या है। ये 4 kg का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 4 kg, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 4 kg इसमें। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में, हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट है उसको हम लोग अनबॉक्स कर लेते हैं, वीडियो को भी एंड कर देते हैं। सो गाइस ये हमारा लास्ट प्रोडक्ट, तो चलिए इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं सबसे पहले। ये वो चीज़ है, ये है ग्रूमिंग का टूल, यहाँ पे लिखा भी मिलेगा आपको डिसेडिंग एंड ट्रिमिंग टूल, मतलब इससे जो डॉग का जो कोट होता है एकदम आराम से आप इसको ट्रिम कर सकते हैं, डॉग के कोट का भी आराम से ट्रिम कर सकते हैं। चलिए इसको यहाँ से खोल लेते हैं, देखते हैं किस टाइप का है ये। हम लोग इसको अनबॉक्स कर लिए, तो कुछ इस टाइप का ये चीज़ है, ये देख सकते हैं, और यह है इसका ब्लेड। ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से फिट हो जाता है, यह इसका प्लास्टिक या इसका गार्ड या कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। सो देखिए इसको फिट करने के लिए आपको पहले इसको प्रेस करना पड़ेगा, देन जस्ट इसको इंसर्ट कर देने से ये वाला पूरा एकदम फिट हो जाएगा, ये देख सकते हैं। ऐसे करके आप एकदम आराम से ट्रिम कर सकते हैं या फिर डिसाइड कर सकते हैं अपने डॉग का जो कोट जो एक्स्ट्रा झड़ जाता है वो वाला आप इससे मतलब आराम से आप निकाल सकते हैं। सो बस यही था ये सारा अनबॉक्सिंग, जो कि अगर आप फर्स्ट टाइम डॉग ले रहे हैं तो आपको ये सारा चीज़ खरीदना पड़ेगा। सो गाइज यही था आज का पूरा अनबॉक्सिंग वीडियो, जो कि था पूरा डॉग का सामान के बारे में। हाथ में थोड़ा अभी सैनिटाइजर मैं लगा रहा हूँ, इस पर ये सारा सामान कहाँ कहाँ से आया क्या पता, एज बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर, इसलिए मैं थोड़ा इसमें सैनिटाइजर लगा ले रहा हूँ। इसके बाद मैं एकदम से नहाऊंगा अभी। और अगर मैं आप लोगों को छोटा सा हिंट दूँ कि मैं क्या डॉग खरीद रहा हूँ, तो उसका नेम स्टार्ट होता है जी से, गेस कर सकते हैं कौन सा डॉग मैं लेने वाला हूँ। आप लोग छोटा सा मैं हिंट दे दिया, सब कुछ बुक है बट डॉग कब आएगा क्या पता। 30 जून के बाद तो मैं उसको एकदम से, अगर वो नहीं आया घर पे तो मैं उसको रांची से जाकर लेकर आऊँगा, एज बिकॉज बिना डॉग का बहुत अच्छा नहीं लग रहा, बहुत दिन ऐसा रहा यूट्यूब वीडियो भी मैं नहीं बना पा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है। आप लोग ही बोलिए मैं अभी क्या वीडियो बनाऊँ, आप लोग क्या वीडियो देखना चाहते हैं आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से बोलिए, मैं उस टाइप का वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा, अभी तो फिलहाल मैं कहीं जा नहीं सकता। सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर हैं तो उसको सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। आप किस टाइप का व्लॉग देखना चाहते हैं वो आप कमेंट करके मुझे जरूर से बोलेगा, मैं उस टाइप का बनाने का ट्राई करूँगा। और आप लोग मुझे अभी भी सजेस्ट कर सकते हैं कि मुझे कौन सा डॉग लेना चाहिए, मैं तो आप लोग को बोल दिया कि वाला जी से स्टार्ट होगा, लेकिन अगर आप मुझे कोई और भी अच्छा सा डॉग सजेस्ट करेंगे तो ये वाला डॉग मैं कैंसिल करके वो भी ले सकता हूँ। अभी फिलहाल उतना कुछ एकदम फिक्स्ड बुक नहीं हुआ है, जस्ट ऐसे मैं बुक करके रखा हूँ,
लॉकडाउन कब खुलेगा, मैं कब लूंगा, कोई अभी मतलब तय नहीं हुआ है, और घर वाले भी थोड़ा सा झमेला कर रहे हैं, तो पता नहीं कब क्या होगा। लूंगा डॉग तो मैं जरूर लूंगा, तो आप लोग भी कमेंट करके मुझे बोल दीजिए कि कौन सा डॉग मेरे लिए अच्छा होने वाला है। लोग तो अभी तक मुझे जान गए होंगे कि मेरा सारा ब्लॉग देख के मैं किस टाइप का हूँ, तो मेरे लिए कौन सा डॉग अच्छा लगेगा, मुझ पर कौन सा डॉग सूट करेगा, आप लोग वो भी कमेंट करके जरूर से बोल दीजिएगा। ओके सो दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे गाइस, होप यू गाइस एंजॉयड दिस, सो आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, सो बाय फॉर टुडे, बाय बाय।